Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata दूसरा स्कंद अध्याय दो और श्लोका क्रमांक दो के पहुंचे हैं। तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषन्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति निष्ठकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि कौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। और आज का श्लोक पहले पढ़ते हैं अनुवाद, और फिर जो प्रभुपाद हमको समझा रहे तात्पर्य में उसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। हरे कृष्णा। तो श्लोका है, शाब्दस्य ही ब्रह्मण एष पंता जन्नाम भीर ध्यायति धीर अपारथे परिभ्रममस तत्र न मिंदते अर्थं मायामय वासन वासनस्य प्रयान। हरे कृष्ण पंकज प्रभु, आई थिंक आपका माइक चालू है, सॉरी। तो इसका तात्पर्य, अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद कीजिए ट्रांसलेशन। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ वेदिक साउंड इज सो बिविल्डरिंग दैट इट डायरेक्ट्स द इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल टू मीनिंगलेस थिंग्स लाइक द हेवनली किंगडम। द कंडीशन सोल्स हैव होवर इन द ड्रीम्स ऑफ सच हेवनली इल्यूजरी प्लेजर्स बट एक्चुअली दे डू नॉट रिलिश एनी टेंजिबल हैप्पीनेस इन सच प्लेसेस। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपातम अहम वंदे श्री गुरुदीन तारिणम परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो ये अगर हम देखेंगे तो भगवान भगवद गीता में भी इसकी बहुत मतलब विस्तार में इसकी चर्चा हुई है। भगवद गीता में भी जो अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बता रहे हैं इस श्लोक के बारे में कि किस तरह वेद जो है, जैसे हम जानते हैं चार वेद है, तो ये वेद में जो वर्णन है वो डायरेक्ट भक्ति की ओर नहीं है। मतलब इसमें देखेंगे तो इसके जो वाक्य है, वेदों के जो इंस्ट्रक्शंस जो वाक्य है, वो जो जो अल्प ज्ञानी होते हैं उनको मतलब भक्ति की दिशा में नहीं, मतलब इंद्र तृप्ति की दिशा में कैसे लेके जाते हैं इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। और अगर भगवद गीता में हम देखेंगे तो भगवान यही अर्जुन को भी अध्याय दूसरे में श्लोका 42-43 में बताते हैं, या इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवाद रता पार्थ नान्यत् अस्तित्व वादिनः कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। तो इसका अनुवाद में पढ़ता हूँ। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारित शब्दों के प्रति अत्याधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए
विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा की इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो ये जो दूसरा अध्याय है इसमें भगवान अर्जुन को यही बता रहे कि या इमाम पुष्पिताम वाचम। तो जो वेद में जो वाक्य है एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से जैसे बोलते हैं ना आर्टिस्टिक वे में पूरा लिखा गया है, लेकिन क्योंकि हम बद्ध जीव को जिनको जीवन का मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य नहीं पता, तो भगवान यह बताते हैं कि ये जब वेद का जब वो अध्ययन करते हैं और वेद में जो दिए गए निर्देश अगर वो पालन करते हैं तो क्या होता है, तो फिर उनको लगता है कि स्वर्ग प्राप्ति करना, स्वर्ग में जो भोग ऐश्वर्य है उसका प्राप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। और प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे एक कहा जाता है कि जो चतुर्मास का पालन करता है, मतलब अच्छी तरह से चतुर्मास का जो पालन करता है, तो सही तरह से अगर चतुर्मास का पालन किया जाए तो वेद में ऐसा लिखा गया है कि फिर वो व्यक्ति अक्षय हो जाता है, मतलब उस चतुर्मास का जो फल है वो क्षय नहीं होता। और तो फिर और उसको जो प्राप्ति होती है आगे चल के स्वर्ग की, तो वहाँ पे वो देवी देवताओं जैसे ऐश्वर्य का भोग कर सकता है। तो फिर अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली ये एक तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि अपना ये जो जीवन भी है वो क्षय होने वाला है। तो यहाँ पे आप जो कुछ कृष्ण भक्ति के अलावा जो भी आप तपस्या करोगे, ये सोचना कि ये अमर होगा या ये क्षय नहीं होगा, ये गलत है। लेकिन फिर प्रभुपाद समझाते हैं कि साधारणतः हर व्यक्ति भक्ति मार्ग में आ नहीं सकता, मतलब डायरेक्टली वो भक्ति मार्ग में आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जीव है उनका उद्देश्य है किस तरह से इंद्र तृप्ति करे, किस तरह से भोग करे। तो हर कोई आप निष्काम भक्ति करने के योग्य नहीं है, क्योंकि उनकी चेतना अभी भी दूषित है। तो ऐसे लोगों को कैसे धीरे धीरे उनकी मतलब जो चेतना है किस तरह से धीरे धीरे शुद्ध हो के भक्ति मार्ग में आए, उसके लिए भगवान ने ये वेद का रचना किया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि इवन अभी आप देखोगे हर कोई IIT और IIM में भर्ती नहीं हो सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं कि अगर वो लोग IIT और IIM में भर्ती नहीं हो सकते तो उनको आगे पढ़ने का कोई स्कोप नहीं, तो उनके लिए फिर क्या है, कॉमर्स है, BSc, फिर आर्ट्स। तो उसी तरह से क्योंकि उसकी क्षमता के अनुसार वो पढ़ाई करके कुछ अपना व्यवसाय और जीवन निवारण कर सके। ऐसा नहीं कि अगर आप IIT और IIM नहीं बन सकते तो इसका मतलब आप पूरी तरह से बेकार है। तो इस कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग कलाकारी जैसे पिक्चरों में काम करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे रहते हैं, कुछ लोग मतलब हर चीज, हर किसी का अपना अपना। लेकिन उसी तरह से कंपेयर करेंगे तो हर कोई भक्ति में नहीं आ सकता डायरेक्टली, बहुत ही गिने चुने। और हम लोग भी जो भी भक्ति में आए, ऐसे नहीं कि हो सकता है हमने कितने साल पूरे पिछले जन्मों में धीरे धीरे ऐसे ही सकाम कर्म करते करते, वेदों का अध्ययन करते करते, देवी देवताओं का पूजा करते करते, धीरे धीरे हम लोग इस जन्म में हम लोग भक्ति में आए। और अभी भी हम लोग भक्ति में आए, ऐसे नहीं कि पूरी तरह से हम लोग प्रामाणिकता से कृष्ण को ही अपना ध्येय मानते हैं। अभी भी हमारे अंदर भी कितने सारे इच्छाएं हैं, हम लोग कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर भी कितने सकाम इच्छाएं होते हैं जो हम भगवान से कहते हैं, अभी भी हम लोग पूरी तरह से शुद्ध नहीं है हम लोग। तो उसी तरह से यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये जो वेद है क्यों रचना की गई इसकी,
ताकि जन सामान्य जो लोग है, जन सामान्य लोग है जो डायरेक्टली भक्ति में नहीं आ सकते, उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे वही बताता है कि बताया जा रहा है कि उनको लगता है कि सोम रस का पान करने से मैं अक्षय हो जाऊंगा, बल मेरा बढ़ेगा और मैं ज्यादा इंद्र तृप्ति कर पाऊंगा। और फिर आगे चल के जब जब ये देह छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाके जैसे इंद्र लोक ब्रह्म लोक यहाँ पे जाके मेरा जो इंद्र तृप्ति करने का जो स्टैंडर्ड है वो और बढ़ जाएगा और मैं और अच्छी तरह से भोग कर सकता हूँ। और यहाँ पे प्रभुपाद जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं श्लोका उसमें, लेकिन कहते हैं पूरी तरह से इसको इसको नकारते हैं कि ये एटलीस्ट भक्त के लिए ये इसका देह ये नहीं होना चाहिए। भक्त के लिए कृष्ण भावनामृत ही देह होना चाहिए। जैसे कि नारद मुनि भी बताते हैं कि वो क्या कहते हैं, आ ब्रह्म नहीं एक श्लोका है भागवतम में जो कहते हैं कि आप ब्रह्म लोक भी पहुंच जाए तो वहां पे भी जो है आप तस्यव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते ब्रह्मताम उपरदय तल लभ्यते है दुःखवत अन्यत्र सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। तस्यव हेतु प्रयतेत कोविदो, इसलिए वो कहते हैं कोविद यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन, एक जो कृष्ण भक्त है बुद्धिमान व्यक्त, तस्यव हेतु प्रयतेत कोविदो, हमको क्या प्रयास करना चाहिए, न लभ्यते भ्रमताम उपर्यदः, जो चीज इवन आप ब्रह्म लोक ऊपर के लोकों में भी जाके जो आप प्राप्त नहीं कर सकते उस चीज के पीछे आपको प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब नारद जी क्या बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति ऐसी चीज है और मतलब इस संसार से छुटकारा पाना, मतलब इस भौतिक संसार से आप जब मुक्त होके जब आप आध्यात्मिक जगत जा सकते हो, ये जो प्रयास है आप ब्रह्म लोक पहुंचने से भी आपका आपको नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने बहुत अच्छे कर्म करके आप ब्रह्म लोक भी पहुंचे तो ब्रह्म लोक में भी क्या है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का जो ये जो चार पीड़ाएं हैं वहां पे भी उपलब्ध है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को उस अपना ध्येय वो रखना है जो आप ब्रह्म लोक पहुंच के भी जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, और वो क्या है, कृष्ण भक्ति। नहीं तो क्या कहते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से अपने काल के हिसाब से जो मृत्यु मतलब दुख और सुख आपको आते रहेगा। ब्रह्म लोक भी अगर आप पहुंचे स्वर्ग लोक भी पहुंचे तो ये जो सुख और दुख और जन्म मृत्यु और जरा व्याधि है वो आपको आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। और एटलीस्ट जो भक्ति में आए हैं उनको ये प्रयास 100% करना चाहिए। जन सामान्य को आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। अगर कोई सत्संग में आ जाता है पहले दिन और अगर आप उसको डायरेक्टली बोलोगे कि ये जो जगत है ये दुखालयम है, यहाँ पे केवल दुख मिलेंगे और आपको जो अभी दुख का अनुभव हो रहा है आपके कर्मों के वजह से है और ऐसे ही दुख आते रहेंगे तो इसका कोई निवारण नहीं, आप केवल कृष्ण की भक्ति करो और यहाँ से आप निकलने का प्रयास करो। तो जब कोई व्यक्ति पहली बार जब आया है और आप डायरेक्टली आप उसको ये सब बताओगे तो वो नेक्स्ट टाइम कभी भी सत्संग में नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अभी तक उसकी चेतनी इतनी विकसित नहीं है कि वो सब ये सब ज्ञान को ग्रहण कर पाए। उसको अभी इमीडिएट एक रिलीफ चाहिए, उसके जीवन में जो कुछ कोई जो समस्या आई है दुख आई है उसको पहला उस समस्या का निवारण चाहिए। तो अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे नहीं नहीं ये समस्या आपके जीवन में जो आए है वो आपके कर्मों की वजह से है, आपके पहले जन्म में आपने जो पाप किए, वो जब ये सब सुनेगा वो लोग उसको लगेगा ये जो व्यक्ति है ये मतलब मुझे वो टाइम पे उसका जो मन है ऑलरेडी वो अशांत है उसको मतलब इतना अशांत है कि उसको लगा कि यहाँ पे आके मुझे कुछ समाधान मिलेगा। और अगर ऐसे सब हम उसको बताएंगे तो उसको समाधान तो नहीं मिलेगा, वहां से भाग जाएगा। इसलिए भक्त जो है स्टार्टिंग कभी भी जो नए लोग नौसिकिया जो लोग आते हैं सत्संग में, हम लोग उनको कभी भी टॉप फिलोसफी नहीं बताते। हम
हम पहले पहले उनको बोलते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि आपके जीवन में समस्या है, आप क्या कीजिए, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, आप डेली इधर आइए, कथा सुनिए। तो ये सब सुनने से धीरे धीरे आपके जीवन में थोड़ा बहुत जो भी आपकी समस्या दूर होंगे। हाँ, हालांकि हम भी जानते हैं कि दिस इज नॉट द गोल, लेकिन क्या कर सकते हैं कि नए नए भक्तों को हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो उसको अच्छा लगता है, अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र करने से अगर मेरी समस्या थोड़ी बहुत हल हो सकती है, तो वो धीरे धीरे एक माला करना शुरू करता है, प्रोग्राम में आना शुरू करता है। और जब प्रोग्राम में आके वो जब भक्तों का संग करता है, जब वो देखता है कि भक्त मेरे प्रति कितना चिंतित है, मुझे गाइड कर रहे, तो धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगता है। और ऐसा करते करते जब वो 2-3 साल सत्संग में बिता देता है, फिर उसको अपने आप पता चलता है, क्योंकि बार बार जब वो कथाएं सुनता है ना, वरिष्ठ भक्त बार बार जब बताते हैं कि भौतिक जगत क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या कैसे फंसे हैं, हम कहाँ से आए थे, हमको कहाँ जाना है, वो धीरे धीरे 1-2-3 साल में जब सुन लेता है, उसको खुद पता चलता है और वो अपने आप प्रगति करता है। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता। अगर हम देखेंगे हर सत्संग में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सालों से आ रहे हैं, हाँ बहुत सालों से वो महामंत्र का जप भी कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका फोकस नहीं है ना। वो हर मतलब जब संडे को सत्संग होता है वहां पे भी आते हैं, फिर मंडे को कहीं देवी का सत्संग होता है वहां पे भी जाते हैं, फिर किसी बाबा के पास भी जाते हैं, फिर हर जगह जाते हैं। और सालों से वो हमारे सत्संग में आ रहे, कथाएं सुन रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे। क्यों? क्योंकि अभी तक उनका जो फोकस है नहीं है। तो ऐसे भक्तों को और बहुत साल लगेंगे, बहुत सारे जन्म लगेंगे। तो हर किसी सत्संग में आप देखेंगे ऐसे लोग, वो सेवा भी करते हैं और वो हमारा यहाँ पे भी सेवा करते हैं, हर और कहीं पे अगर माता का चौक है वहां पे भी जाके वहां पे भी सेवा करेंगे। तो वो लोग क्या है, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो ये या इमाम पुष्पिताम वाचम, और जो आज का हमने जो श्लोक जो भागवतम में दिया गया है, वेदों के मतलब उनको देवी देवताओं में भी उतनी ही आसक्ति है और कृष्ण में भी आसक्ति है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उनको उनका जो श्रद्धा है वो बटा हुआ है, वो अपने जो पहले से जो देवी देवताओं का आराधना कर रहे हैं वो छोड़ना नहीं चाहते। तो और ऐसा अगर देखा जाए, एक गलत नहीं है, अगर वो लोग एक्चुअली सही मतलब प्रामाणिकता से देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि देवी देवताएं जो है वो जो भगवान के वो भी एक भक्ति है, पार्षद ही है, वो जब देखेंगे कि ये भक्त अच्छी तरह से भक्ति कर रहा है मेरी, और मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि ये यहीं पे अटका रहे, तो फिर वो लोग उनको दिशा दिखाते हैं, और फिर जब वो दिशा दिखाते हैं वो धीरे धीरे भक्ति में आ जाते हैं। तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो ये वेद का जो अध्ययन और ये जो वाक्य है और ये जो इंस्ट्रक्शंस है वेदों में, वो एक्चुअली नवसिख्या भक्ति या जो एकदम नीचे स्तर पे जिनकी चेतना है उनके लिए है, क्योंकि कहीं तो स्टार्ट करना है हमको। अगर डायरेक्ट भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में अनन्या भक्ति नहीं कर सकते, तो कहीं तो शुरू करना है। तो कहाँ से शुरू करेंगे वो लोग? वो लोग देवी देवताओं के जो है, तो किसी एक देवी देवताओं के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ेगी, उनकी अच्छी तरह से पूजा करेंगे, उनका जो कुछ भी जो दिन होता है उस दिन उपवास रखते हैं, जैसे बहुत लोग श्रावण का उपवास रखते हैं, बहुत लोग सोमवार के दिन उपवास रखते हैं, ऐसा उपवास रख रख के क्या होता है, वो देवी देवताओं के प्रति जब वो लोग भक्ति अच्छी तरह से करते हैं, तो फिर वो देवी देवता उनको आगे बढ़ाने का फिर मार्ग दिखाते हैं, और इसी तरह से फिर वो लोग धीरे धीरे कई सारे जन्मों से मतलब जब शुद्धता उनकी बढ़ती जाती है, उनकी चेतना विकसित होती जाती है, फिर कहीं होके कृष्ण भक्ति में उनको एंट्री मिल जाती है। जैसे हम सब लोगों का यही है। हाँ, और अगर वो शुद्ध भक्तों के संग में आ गए तो वो तो फिर शुद्ध भक्तों के संग में आके उनका सेवा करके फिर उनका जो प्रगति एकदम और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि ये सारा जो चीज है, स्वर्ग सुख वगैरह, ये क्षणिक है और इसके पीछे हमको भागना नहीं चाहिए। और वही भगवान इसलिए अर्जुन को भी वही बता रहे थे कि त्रैगुण्य विषयान वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो
निर्योग क्षेम आत्मवान, कि ये जो तीन ये जो वेद है ये तीन गुणों के अधीन है, तो आप इस वेदों के क्या है चक्कर में मत पड़ो, आप उससे ऊपर उठो। और यही नौवे अध्याय में वापस भगवान अर्जुन को वही बताते हैं कि जो वेद का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। त्रैविद्यमा सोपपाम पूता यज्ञ वृष्टा स्वर्ग प्रात्यन्ते ते पुण्य सुरेंद्र लोकम मश्नुन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। लेकिन आगे वो बताते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम श्रीणे पुण्य मर्त्यम लोक विशन्ते एवं त्रिविद्य धर्म धर्मापोपान गतागतम कामा लभन्ते। लेकिन इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र ही मिल पाता है। तो देखिए, अगर हम स्वर्ग लोक पहुंच भी गए तो क्या होता है, जैसे अपना अकाउंट बैलेंस खत्म हो जाता है, वापस हमको यहीं पे आना पड़ता है। और ये जो वहां पे भी जन्म मृत्यु का ही चक्र है, यहाँ पे भी वही है, तो हम इस चक्र से नहीं निकल पाते। इसलिए जो सुखदेव गोस्वामी जो है महाराज परीक्षित को यही बता रहे है कि आपने मतलब उनके द्वारा उनके थ्रू हमको बता रहे हैं कि एक मनुष्य का जो लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि हम इस वेद के वेदों के जो ये जो बहुत ही अलंकृत जो वाक्य है, जो निर्देश है, उसमें हम ना फंसे। क्योंकि बहुत टाइम वेद में कर्म कांड का जो सेक्शन है उसमें बहुत सारे उपासना बताए गए हैं, जिसको करने से हमको इस यहाँ के किस तरह से हम इंद्र तृप्ति और यहाँ का भोग कर सकते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जैसे प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये सब क्षणिक है और हम लोग कभी भी यहाँ पे खुश नहीं रह सकते। और प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ का जो जितने सारे यहाँ में यहाँ सामग्री है, इनसे भी हम लोग खुश नहीं है। इसकी वजह से हम लोग चंद्रमा में जाने का कोशिश कर रहे हैं, सूर्य और अलग अलग प्लेनेट में जाने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्योंकि हम लोग जो है स्पिरिचुअल लिविंग एंटिटी है, हम लोग जीवात्मा होने के कारण भौतिक स्तर पे हम लोग कितना भी कुछ भी क्यों ना भोग कर ले या इंद्र तृप्ति क्यों ना कर ले, कितना भी एडवांसमेंट क्यों ना कर ले, क्योंकि अपना जो एक्चुअल आनंद भगवान श्री कृष्ण से की सेवा में है। हम लोग इवन अंतरिक्ष में भी चले जाके कहीं पे भी चले क्यों ना जाए, इस भौतिक जगत में अप टू ब्रह्म लोक हम लोग कभी भी आनंदित नहीं रह सकते वो। और हम इस जन्म मृत्यु चक्र के सब हम लोग नहीं निकलेंगे, और जब तक आध्यात्मिक स्तर पे हम लोग कार्य नहीं करेंगे हम लोग खुश नहीं रह सकते। और वही सुखदेव गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे कि उनके द्वारा हमको बता रहे कि हमको जो एटलीस्ट हम जो भक्ति में जो लोग आए हैं, कि हम अभी इस भक्ति में आने के बाद वापस ऐसे क्या कहते हैं कर्मकांडी एक्टिविटीज में वापस ना उलझे, केवल शुद्ध भक्ति हम लोग करते रहे। भले ही हमको यहाँ पे जो कहा जाता है कि यहाँ पे हर चीज जो है कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना है, हमारे संतुष्टि के लिए ना नहीं करना है, तो कभी कभी हमको कभी कभी लग सकता है कि हर चीज हम लोग कृष्ण की संतुष्टि के लिए अगर करेंगे तो फिर हमारे संतुष्टि का क्या है। लेकिन फिर हमको हमारे आचार्य बताते हैं कि ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तम, कि जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए जब कार्य करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग संतुष्ट होते हैं। और ये सारे भक्त इसका अनुभव कर चुके हैं, इसलिए कहते हैं यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि, अगर भगवान खुश हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग खुश हो जाते हैं। तो हमको जो अभी
जो भक्त लोग है जो वेदों के मतलब वेदों के शिक्षाओं से परे हो के अभी जो भागवतम की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत का शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ पे केवल शुद्ध भक्ति और यही मतलब हर मतलब पूरे जितने भी ग्रंथ है, जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ है, इसका जो सार है श्रीमद् भागवतम टोटली मतलब प्योर लव फॉर गॉड, मतलब शुद्ध भक्ति का जो प्रचार हो रहा है, हमको उससे और अभी नीचे नहीं आना है, हमको इससे ऊपर ही जाना है। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद हमको वही समझा रहे कि हम लोगों को जन सामान्य व्यक्ति की तरह कर्म कांड या देवी देवताओं के पूजा तो करनी है, लेकिन कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ना कि यहाँ कुछ भौतिक लाभ मिले या इंद्र तृप्ति का लाभ मिले, इससे हमको बचना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम सभी का। आप प्लीज अपना भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये भगवत गीता में जो है, भगवान ने अर्जुन को भी समझाया था यही वेद क्या है और इसमें कैसे लोग इसका उद्देश्य क्या, जनसामान्य इसका उद्देश्य क्या सोचते हैं, केवल भोग और ऐश्वर्य। तो हम भक्तों को इससे बचना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। और यही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अब समझा रहे कि अब आप भी इसमें ना उलझे, एक्चुअली वो हमको समझा रहे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसमें एक खाली एक जैसे सभी के लिए भगवान को ही जानना हो उसका लक्ष्य है, तो प्रभु एक ये जानना था प्रभु जी के जैसे सबको अलग अलग लोग उसका अलग अलग रेफरेंस लेके अपना अपना कार्य पूरा करते हैं, तो क्योंकि वो लोग जैसे सकाम कर्मी में वो लोग आते हैं और तो भी मतलब जैसे कहते हैं कि अभी जैसे हम लोग ठीक है बेटा, हम लोग ये प्रभु जी प्रयास करते हैं कि ये सत्व गुण में रह के भगवान शुद्ध भक्ति करने का, भगवान की समर्पण करके सेवा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु जी कभी कभी ऐसे देखने में आता है ये जो सकाम जो करते हैं प्रभु जी, जो देवी देवताओं की पूजा विधि करते हैं, या जैसे मतलब उनका ये लक्ष्य पूरा नहीं होता कि वो भगवान समर्पित है, लेकिन फिर भी प्रभु जी कभी कभी ऐसे जो दैनिक कार्य होते हैं प्रभु जी, तो उसमें प्रभु जी जैसे मैं अपने से ही प्रभु जी प्रूव करता हूँ प्रभु जी कि मैं यदि यहाँ पे ये प्रयास करता हूँ उसमें प्रभुपाद जी की जीवन में चरण करने का प्रयास करता हूँ, फिर भी कभी कभी प्रभु जी जो ये मॉरल होते हैं प्रभु जी ये भौतिक जगत के, उसमें कभी कभी सज्जनता के रूप में या कभी कभी व्यवहार के रूप में या ऐसे कभी कभी जो ये छह अवगुण है प्रभु जी काम क्रोध ये सब, तो उसमें भी प्रभु जी वो लोग मतलब उनका जो ये रहता है उनका थोड़ा नियंत्रित और ऐसा दिखता है, लेकिन प्रभु जी हम लोग जब भी कार्य करते हैं ये तो उसमें कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ये प्रयास करने के साथ साथ भी उनसे भी ज्यादा मतलब मैं बात कर रहा हूँ उनसे भी ज्यादा हमसे गलती हो जाती है, तो प्रभु जी इसमें हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली प्रभु हम लोग जब देवी देवताओं के अगर आराधना कर रहे हैं एक्सटर्नली नो डाउट, लेकिन अगर हमारा ध्येय मतलब यही है कि हम जानते हैं कि उनकी पोजीशन क्या है, देवी देवताओं का पोजीशन क्या है, वो लाइक भगवान के शुद्ध भक्त है, मतलब उनका कुछ तो योग्यता है इसलिए वो उस पदवी पे है, भगवान ने उनको उस पदवी वो पदवी दी हुई है, तो वो भी एक वैष्णव है, तो लेकिन हम लोगों का ध्येय यही होना कि जो भी लाइक मटेरियल लाइफ में थोड़ा बहुत हमको क्या कहते हैं, वी हैव टू बी लिटिल बिट पीसफुल टू डू भक्ति। हम लोग इतने शुद्ध भक्त नहीं है पांडव जैसे कि हमारे जीवन में पूरा उथल पुथल चल रहा है फिर भी हम लोग एकदम दृढ़ भक्ति कर रहे हैं, ऐसा मैं तो नहीं हूँ। मतलब इस कलयुग में तो
बहुत टफ होता है। अगर आपका जीवन में आपका सांसारिक लाइफ या सही नहीं है और आप फिर भी भक्ति में एकदम पूरी तरह से जुड़े हुए हो, तो उसके वजह से कभी कभी हमारे कर्मों के हिसाब से हम लोगों को अलग अलग प्रकार के जो आराधना है वो करना पड़ता है। लेकिन ध्येय यही होना चाहिए एक्सटर्नली कि हम लोगों को जो ये अभी मौका मिला है कृष्ण भक्ति करने का, वही अपना ध्येय होना चाहिए। तो एक्चुअली भक्त जो है ये जानता है, लेकिन क्योंकि अभी भी हम लोग विदिन वो जो कहते हैं ना सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अभी भी हम अधीन है, इसके वजह से हम लोग भी अभी तक पूरी तरह से शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। बट एटलीस्ट हम लोगों ने अपना प्रयास शुरू किया है एंड एटलीस्ट वी आर सिंसियरली ट्राइंग भले। लेकिन जो कॉमन लोग हैं उनको बिल्कुल पड़ी नहीं है कि कृष्ण भक्ति ही सर्व क्या कहते हैं अपना चरम लक्ष्य है। तो उन लोगों के लिए क्या होता है, वो लोग भगवान की भी जब भक्ति करते हैं कृष्ण की भी भक्ति करते हैं उसमें भी उनको यही मतलब इंद्र तृप्ति और भोग और ऐश्वर्य यही उनको चाहिए। और जब उनको पता चलता है कि यहाँ पे आपको ये सब नहीं मिल सकता क्योंकि देवी देवता ये देते हैं, तो फिर वो कृष्ण भक्ति में उतना संलग्न नहीं होते। तो अगर हम लोग कर रहे हैं सिंस वी आर स्टिल हम लोगों का क्या कहते हैं हम लोग साधना लेवल पे ही है, लेकिन हमको पता है बैक ऑफ द माइंड कि हम लोग कृष्ण भक्ति सब सर्वोत्तम है, लेकिन क्योंकि जीवन में थोड़ा बहुत हमारा अभी तक स्थिरता नहीं है हमारे मटेरियल लाइफ में हमारे कर्मों की वजह से, जिसकी वजह से हमको कुछ चीजें करनी पड़ती है, तो वो ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट हमको उसमें घुसना नहीं चाहिए, मतलब उसको अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में थोड़ा बहुत शांति नहीं है हम लोग भक्ति अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, उस स्तर पे नहीं है। तो वो शांति लाने के लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत वैदिक रिचुअल्स करने पड़ते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट उसमें हमको क्या कहते हैं दैट इज नॉट द गोल ऑफ आवर लाइफ, और वो अपना हर बार नहीं करेंगे हम लोग बार बार उसी में नहीं, वो थोड़ा बहुत जो करना है करके फिर वापस हम अपने भक्ति में ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई भक्त प्लीज वरिष्ठ भक्त ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण।